Hello students, today I am going to explain you the last topic of our chapter. Chapter 5th हम लोग पढ़ रहे थे plant water relations और इसमें हमने different process पढ़े थे जैसे कि diffusion, osmosis, permeability, plasmolysis. तो उसी process के अंदर जो हमारा last topic था वो है imbibition, जिसे हम हिंदी में अंतर शोषण भी बोलते हैं. इम्बाइबिशन को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे हम इस प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे. इम्बाइबिशन का प्रोसेस आप सब लोगों ने देखा है एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन. रेनी सीजन में आप सब लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि इस समय जो भी हमारे डोर्स वगैरह होते हैं, विंडो, इन सब में क्या होता है, जो वुड होती है वो थोड़ी सी फूल जाती है. फूलने के कारण वो बहुत अच्छे से हमारे जो डोर्स होते हैं वो बंद नहीं होते. तो ये जो आप इसे क्या कहेंगे, मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेती है. हम ये सोचते हैं कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस वजह से वो फूल जाती है. तो कहीं ना कहीं यही प्रोसेस जो आप देख रहे हैं, यानी जो ये डोर्स वगैरह का फूलना जो होता है, ये प्रोसेस ही कहलाता है हमारा इम्बाइबिशन. इसे ही हम इम्बाइबिशन कहते हैं. तो अब इसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में समझें कि ये प्रोसेस क्या होता है और किसके थ्रू होता है, क्यों ऐसा होता है. तो डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है इसकी, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स और ड्राई सॉलिड सब्सटेंसेस. कोई भी ड्राई सॉलिड सब्सटेंसेस जिसमें ये क्वालिटी है वो हाइड्रोफिलिक है. हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर को अट्रैक्ट करने वाले, जिसे हम जल स्नेही बोलते हैं. एंड कोलोइड्स आप जानते हैं, तो कोई भी हाइड्रोफिलिक कोलोइड जिसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, उसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन. अभी आप इसमें एक वर्ड में अंतर समझें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडजॉर्प्शन, ADSORPTION. एडजॉर्प्शन का मतलब और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों को अलग अलग, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है. एब्जॉर्प्शन में जो होता है वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, इंटरनली वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. लेकिन एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, वाटर बिल्कुल अंदर पेनिट्रेट नहीं होता. जो सेल की सरफेस होती है या कोई भी सब्सटेंस है उसकी सरफेस वाटर को एब्जॉर्ब करती है. तो सरफेस जब वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. आप सब जानते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ये हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स होते हैं. तो इन सरफेसेस के थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर, उसको हम बोलते हैं इम्बाइबिशन. तो इसकी एक और हमारी डेफिनेशन है, इसको भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन. याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब होता है उसमें सबसे पहले जो भी वाटर एब्जॉर्ब होगा वो सॉल्यूशन बनाता है और उसके बाद में वो एब्जॉर्ब होता है. लेकिन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एड्सॉर्प्शन यानी अधिशोषण, एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, तो विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय सॉलिड पार्टिकल्स. सॉलिड पार्टिकल्स में उनके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाना लेकिन सॉल्यूशन नहीं बनाना, विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, इज कॉल्ड इम्बाइबिशन. तो आपको क्लियर हो चुका है इम्बाइबिशन का मतलब क्या होता है. हम यहाँ पर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, है ना, कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है इम्बाइबिशन का, वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है. तो प्लांट की जो सेल होती है, सेल की सरफेस जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है वो होता है एब्जॉर्प्शन. और ये सरफेस कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक कोलोइड से मिलकर बनी होती है. अब प्लांट में इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम बात करते हैं इनके फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्बाइबिंग प्रोसेस को, इम्बाइबिशन को इफेक्ट करते हैं. तो टेम्परेचर आप जानते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट होगा. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है जो ये प्रोसेस है इम्बाइबिशन का वो डिक्रीज होता चला जाएगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये प्रोसेस डिक्रीज होगा. वाटर पोटेंशियल पर ये डिपेंड करता है, अगर हायर वाटर पोटेंशियल है तो इम्बाइबिशन का प्रोसेस भी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा. जैसे जैसे आप वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो इम्बाइबिशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा. टेक्सचर ऑफ इम्बाइबेंट, तो पहले हमें ये पता करना है कि इम्बाइबेंट क्या होते हैं. इम्बाइबेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे आपने डोर्स की बात की तो जो वुड होती है डोर्स की वो किसका काम कर रही है, यहाँ पे इम्बाइबेंट का. तो इम्बाइबेंट के टेक्सचर पर भी डिपेंड करता है कि उसकी सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है. दूसरा इफेक्ट और भी होता है, एक होता है एब्जॉर्बेंट. एब्जॉर्बिंग क्या होता है, जो चीज क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है. तो जैसे यहाँ तो हम वाटर की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्बेंट जो एब्जॉर्ब होता है उसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है इम्बाइबिशन का प्रोसेस कि उसकी एफिनिटी इम्बाइबेंट से है या नहीं. यानी आप इसको ऐसे समझिए कि वुड की और वाटर की दोनों की एफिनिटी होती है बेटा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है तभी इम्बाइबिशन का प्रोसेस होता है, तभी वो वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. अगर हम यहाँ पर
एड्सॉर्बेंट को चेंज कर दें। एड्सॉर्बेंट का मतलब वाटर की जगह अगर हम यहाँ पर ऑयल ले लें तो आप जानते हो ऑयल में अगर आप डिप करोगे वुड को तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच में एफिनिटी ही नहीं है। तो एफिनिटी पर भी डिपेंड करता है कि इनवायरमेंट और एब्जॉर्बेंट जो है उन दोनों के बीच में एफिनिटी है या नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसके प्रोसेस को, इनवायरेशन के प्रोसेस को। अब हम इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, प्लांट में इसका क्या रोल होता है। तो बेटा दो मेजर रोल हैं इसके। फर्स्ट रोल है जो हम देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वो है सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस। आप सब जानते हैं कि जब भी हम सीड को सॉइल के अंदर डिप करते हैं और उसके बाद सॉइल से कवर कर देते हैं, इसके बाद हम उसमें वाटर को पोर करते हैं, तो वाटर जब जैसे जाएगा तो जो सीड कोट होता है, सीड कोट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इसके कारण क्या होता है, वहां पर एक फोर्स क्रिएट होता है, सीड कोट की बस्टिंग हो जाती है और एकदम से स्प्राउट निकलता है। तो जब भी सीड की स्प्राउटिंग की बात करेंगे वो इम्बाइबिशन के प्रोसेस से ही होती है। अगर इम्बाइबिशन का प्रोसेस नहीं होगा तो सीड कोट विल नेवर बी बस्ट और स्प्राउट नहीं बनेगा और सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपने नाम सुना होगा इसका 11th क्लास के अंदर, दैट इज रीसरेक्शन ऑफ प्लांट। रीसरेक्शन ऑफ प्लांट मींस प्लांट्स का पुनर्जीवन, जिसे हिंदी में हम पुनर्जीवन बोलते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि प्लांट्स सूख जाते हैं, बिल्कुल आप उनको देखोगे गमले में हम लोग लगाते हैं, बिल्कुल पत्तियां वगैरह झड़ गई हैं और बिल्कुल सूख गया है और हम सोचते हैं कि वो डेड हो गया है, यही हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो देखेंगे आप पानी डालने के बाद कुछ एक दो दिन के अंदर ही उसमें लीव्स आना शुरू हो जाती है। ये उसको क्या मिलता है, पुनर्जीवन मिलता है। तो ये पुनर्जीवन किस प्रोसेस से होता है, तो प्लांट्स का जो भी रीसरेक्शन का प्रोसेस होता है वो भी इम्बाइबिशन से ही होता है। जैसे हम वाटर डालते हैं प्लांट की जो सेल सरफेस है वो धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करती है एंड फिर उसके बाद में इसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है जिससे कि प्लांट को नया एक लाइफ मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इम्बाइबिशन के जो हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आपके दे रखा है लास्ट के अंदर। तो इसकी प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन, इसके फैक्टर्स और इसका क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स में, इसको हमें स्टडी करना है। अब मैं आपको पुराने टॉपिक्स में से ही कुछ चीज और बता रही हूँ जिससे कि हम न्यूमेरिकल्स जो है इसके कर सकते हैं। न्यूमेरिकल हम किस तरीके से करेंगे, इस चैप्टर के अंदर आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो एक तो डीपीडी से रिलेटेड हो सकते हैं, एक वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था वाटर पोटेंशियल जब पढ़ाया था तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। वाटर पोटेंशियल जिसको हम साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, यानी प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है हमारा वाटर पोटेंशियल जो कि हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाती है, तो प्रेशर बढ़ाने पर वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। लेकिन सॉल्यूट को डालने पर क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स वाटर पोटेंशियल को कम कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। एक चीज और हमारी बुक में दे रखी है उसको भी हमें क्लियर करनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बेटा न्यूमेरिकली दे आर सेम, इनमें सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वो इनके सिंबल के ऊपर ही ध्यान रखना है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर याद रखना है। आप सबको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, सोल्यूट। जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डालते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका इंक्रीज होने लग जाता है, यानी वो क्या होता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो आपने देखा कि जब भी आप सॉल्यूट को डालेंगे वाटर के अंदर तो सॉल्यूट को डालने पर उसका वाटर पोटेंशियल भी क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो रिलेटेड है किससे, वाटर के पोटेंशियल से भी। तो जब हम इसको रिलेट करते हैं वाटर के पोटेंशियल से, यानी वाटर का पोटेंशियल सॉल्यूट को डालने पर कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका बढ़ जाएगा, तो इस समय इस टर्म को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है एक तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो आपने ये सॉल्यूट लिया है, सॉल्यूट पोटेंशियल लिया है इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसी का जो दूसरा नाम है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक तरह से क्या है, वो सॉल्यूट पोटेंशियल ही होता है। लेकिन अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखें आप पॉजिटिव होती है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इट्स वैल्यू इज नेगेटिव, क्योंकि आपको मैंने बताया है
कि ये क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल ही है, और सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, सिर्फ आपको वैल्यू के ऊपर ही याद रखना है, बाकी दोनों का जो मीनिंग है वो सेम होगा। जब हम वॉटर पोटेंशियल के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, तो इसको मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताती हूँ जिसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास ये दो सेल है, ये दो सेल आपको दे रखी है, एक ए है और एक बी है, और इनकी कुछ वैल्यूज हमें दे रखी है। जैसे कि ये वाली जो सेल है इसका सॉल्यूट पोटेंशियल दे रखा है 10, और इसका प्रेशर जो है प्रेशर पोटेंशियल है वो दे रखा है 20। ठीक है, ये ए सेल का दे रखा है। दूसरी सेल है इसका सॉल्यूट पोटेंशियल दे रखा है 20, ठीक, और इसका सॉल्यूट प्रेशर दे रखा है 20। ये वैल्यू हमें दे रखी है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि एक सेल ए है जिसका सॉल्यूट पोटेंशियल 10 है, सॉल्यूट प्रेशर 20 है, दूसरी सेल बी है जिसका सॉल्यूट पोटेंशियल 20 है और प्रेशर पोटेंशियल 20 है, दोनों ही 20 है, तो आपको ये बताना है कि जो वॉटर का मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ वॉटर मूवमेंट। जो वॉटर का मूवमेंट होगा वो हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में होगा, ए से बी में होगा या बी से ए में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए आपको वैल्यूज दे रखी है तो आप इनसे क्या निकाल सकते हैं, वॉटर पोटेंशियल निकालिए। तो अगर हम ए सेल की बात करें तो ए सेल का वॉटर पोटेंशियल क्या होगा, इसको निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो यही रहेगा, वॉटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो आप इसका निकालेंगे तो 10 प्लस 20, इसका वॉटर पोटेंशियल क्या हुआ बेटा 30, यानी ए सेल का वॉटर पोटेंशियल क्या आया 30 आया। अब हम बात करें बी सेल की, तो बी सेल में वॉटर पोटेंशियल हम निकालेंगे तो 20 प्लस 20, क्योंकि आप जानते हैं ये सॉल्यूट पोटेंशियल है और ये प्रेशर पोटेंशियल है, दोनों की वैल्यू क्या हुई, आपने इसको प्लस किया तो 40 आया। अब आपको देखना है कि वॉटर पोटेंशियल ए सेल का है 30 और बी सेल का है 40, तो आपको ये मैंने बताया था वो आपको याद रखना है, डीपीडी के केस में और वॉटर पोटेंशियल के केस में वॉटर का मूवमेंट हमेशा हाई वॉटर पोटेंशियल से लो वॉटर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है बेटा 40 और इसकी वैल्यू क्या है 30, तो ये हाई है, इसका मतलब बी टू ए, वॉटर का जो मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बी से ए की तरफ होगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आपको मैंने इसमें करवाया। अब इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको पूछ सकते हैं, डीपीडी भी आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, 2-3 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने आ जाएंगे। हमारा चैप्टर अब कंप्लीट है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से स्टडी करना है, और इसमें क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं तो इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है।